हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं सुमित्रा सिंपल लाइफ से बोल रही हूँ। और आप सब कैसे हो दोस्तों? भगवान आप सबको अच्छे से रखे, सही सलामत रखे, किसको कुछ भी ना हो। अभी तो ये जो कोरोना वायरस बहुत ही भयानक सा परिस्थिति सृष्टि कर रहा है। और दोस्तों, आज मैं कुछ बातें बताऊंगी आपके अवेयरनेस के लिए, ठीक है? प्लीज़ दोस्तों, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। मैं आपकी ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी, थोड़ी सी बात बताऊंगी। आजकल तो आप टीवी मीडिया से और मोबाइल से बहुत कुछ जान रहे हो, सीख रहे हो, देख रहे हो, फिर भी मैं सोची जो मेरे व्यूअर हैं उनके लिए मैं थोड़ा दो बात बोलूं, वो भी मेरी बात सुने और अवेयर हो सके। अगर आप चाहते हो ये जो संक्रमण है, ये जो बीमारी है, इससे बचने के लिए, इससे दूरी बनाने के लिए, तो फिर प्लीज़ गाइस मेरी बातों को गौर से सुनना। मेरा पहला पॉइंट ये है कि जितना भी मुश्किल आए आप घर से ना निकले, चाहे जितना भी परिस्थिति भयानक हो, चाहे जो भी हो जाए, कोई बात नहीं, आप घर में रहिए, यथासंभव आप घर में रहिए, ठीक है? और दोस्तों, मेरा दूसरा पॉइंट ये है, अगर आपको कहीं बाहर जाना है, बहुत ज़रूरी है, नहीं जाओगे तो नहीं हो पाएगा, तो फिर जाइए, लेकिन बिल्कुल सावधानी बरत के जाइए, ठीक है? एग्जाम्पल, मास्क तो पक्का पहनिए, अगर मास्क नहीं है तो कोई बात नहीं, रुमाल को फोल्ड करके ऐसे बांध लीजिए, ठीक है? और पॉकेट में छोटा सा सैनिटाइजर का बोतल, जाने से पहले हाथ को सैनिटाइज करिए, जाइए, फिर बीच बीच में जब आपको ध्यान आए, बीच बीच में थोड़ा सा बूंद निकाल के सैनिटाइज करते रहिए, ठीक है? अगर सैनिटाइजर नहीं है तो कोई बात नहीं, जो डेटल मिलता है लिक्विड वाला, हम उसको घर में यूज करते हैं, सैवलॉन हो, डेटल हो, उसकी एक छोटा सा बोतल पॉकेट में लेके जाइए। प्लीज गाइस, खुद की बचाव हम खुद करेंगे, ठीक है? और मेरा तीसरा पॉइंट ये है गाइस, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, यानी कि खुद से दूसरों का दूरी बनाए रखना, ठीक है? जो कोई भी बुरा सोचता है उनको बुरा सोचने दो, कोई बात नहीं, खुद की बचाव हम खुद करेंगे, ठीक है? इसलिए जितना भी हो सकता है आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। बाहर जाने से पहले हाथ को धो धो के जाइए और घर में पहुंचने के बाद तुरंत ही हाथ धोइए, ठीक है? जितना हो सके हम जो लेडीज घर में रहते हैं, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जितना भी हो सके ये सब उसको मैंने कॉमनली टच करते हैं उसको हम सैनिटाइज करेंगे, ठीक है? ये सब हम पक्का ध्यान में रखेंगे। और मेरे फोर्थ पॉइंट ये है कि देखिए गाइस, अभी जो टाइम चल रहा है इसमें से थोड़ी सी आपकी अगर सावधानी आप नहीं बरतोगे, थोड़ी सी इसको इग्नोर कर दोगे, तो फिर ये थोड़ी सी कब राई का पहाड़ बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? इसलिए खुद के डॉक्टर खुद ना बने। छोटा मोटा अगर सर्दी जुकाम हुआ कि आपको ऐसे फील हुआ कि हाँ मुझे फीवर हो रहा है, मुझे सरदर्द हो रहा है, मुझे हल्का महसूस नहीं हो रहा है, तो फिर प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, जल्दी से जल्दी डॉक्टर के सलाह लो, जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास पहुँचो। मेरी पांचवा एंड लास्ट पॉइंट ये है गाइस, देखिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार वो बोल रहे हैं कि जो जिसका इम्यूनिटी पावर कम होता है उसको बहुत जल्दी ये बैक्टीरिया संक्रमण करते हैं, तो फिर इसलिए हम क्या करेंगे, पहले खुद की जो इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करेंगे, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, सबको अंदरूनी इतना तंदुरुस्त करेंगे कि कोरोना वायरस हो, जो भी कोई संक्रमण हो, इतना जल्दी आपको कैच नहीं कर पाएगा। मैं अभी ऐसे कुछ दो चार चीज़ें बताऊंगी जो आप आपकी डेली की डाइट में अगर शामिल करोगे तो फिर देखोगे इसका कितना फायदा होता है। सुबह खाली पेट क्या करना, तुलसी का पत्ता, अभी तो हर आंगन में आपको तुलसी पत्ता मिलेगा, तुलसी का पत्ता की थोड़ा सा रस, यानी कि 1 स्पून के बराबर, उसमें से थोड़ा सा अदरक की रस, और उसमें से आप क्या करना, अगर आपके हो सके तो थोड़ा लौंग और काली मिर्ची को भून के उसके पाउडर बना के रख लेना, उसमें से थोड़ा सा उसमें डालना, थोड़ा सा शहद डालना, और उसको मिला के खाली पेट खा लेना। बच्चे हों या बड़े हों, सबको ये खाना चाहिए, ये चीज़ें बहुत ही असरदार है हमारे लिए, ठीक है? क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी बहुत ही भरे भरे हैं, ठीक है? और देखिए आपकी जो डाइट में अदरक और लहसुन का मात्रा भर भर के लीजिए, क्योंकि लहसुन में एंटीबैक्टीरियल बहुत होते हैं। और खाना हमेशा गरम गरम बनाना, गरम गरम खाना, ठीक है? ठंडा खाना बिल्कुल भी नहीं खाना, जैसे सुबह की खाना दोपहर में, दोपहर की खाना रात में, ऐसे नहीं करना। गरम पानी पक्का पीना, गरम पानी पीने से गुनगुना, थोड़ा ज़्यादा गुनगुना पानी पीने से अंदर की जो बैक्टीरिया है वो 100 से 50
अब आप मर जाते हैं, ये पक्का है। मैं नहीं बोल रही हूँ, डॉक्टर की बात है ये। गर्म पानी पिए, गर्म गर्म खाना खाइए, ठीक है, तंदुरुस्त रहिए बस। और लंबा नहीं करूँगी वीडियो को। जो भी कोई देख रहा है प्लीज़ मेरी बात को ऐसे हल्का फुल्का नहीं लेना। अभी जो समय आके पहुंचा है, अगर हम इसको ऐसे इग्नोर करते रहेंगे तो फिर पता नहीं ये कितना बड़ा मतलब कि रूप ले सकता है। और गाइस, लास्ट में मैं आपसे विनती करता हूँ, आप घर से ना निकलिए, यथासंभव घर में रहने के लिए प्रयास करिए और संयमता की, साहसिकता की परिचय दीजिए। और बिल्कुल भी डरिए मत, डरने से कोई हाल नहीं निकलने वाला है, ठीक है। डरना नहीं है हमको, डट के इसका सामना करना है और जीत के दिखाना है, क्योंकि हम भारत के रहने वाले हैं, हम किसी से नहीं डरने वाले हैं गाइस। अब सबसे ये मेरा अनुरोध है, मैं जो भी कुछ बोली प्लीज 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 इस बात को गौर करिए, बिल्कुल भी इग्नोर ना करिए या हंसी से ये बात को ना टालिए गाइस, ठीक है। आप सबकी मैं भला चाहती हूँ, भगवान आप सबको सही सलामत रखे, किसको कुछ भी ना हो। भगवान जल्दी से जल्दी हमारी ये जो दुनिया में पूरा फैल चुकी है कोरोना, उससे मुक्ति दिलाए और हम फिर से आगे जैसे हंसी खुशी जी पाए। मैं रहती हूँ दोस्तों, नमस्ते और अच्छे से रहना।